फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उस वेबसाइट से हम मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट क्रिएट करने का तो बहुत सारा तरीका है, पैसे देके हम बहुत सारे तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, बट अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो wordpress.com पे हम वेबसाइट बनाएंगे, हम उसको प्रमोट करेंगे और उससे पैसे कैसे कमाए जाए वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जानना है कि wordpress.com में वेबसाइट कैसे बनाते हैं आसान तरीके से, इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरत नहीं है, बस कुछ ही क्लिक्स में, कुछ ही 10-15 मिनट 20 मिनट में आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। और इसके लिए आपको कोई होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई डोमेन लेने की जरूरत नहीं है, और MVR आपको कोई चार्जेस पे करने का भी जरूरत। और उसके बाद मैं बताऊंगा अमेजन एसोसिएट जो कि अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम है या तो फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम है, उस एफिलिएट प्रोडक्ट को वेबसाइट के थ्रू कैसे प्रमोट किया जाए। तो फ्रेंड्स, जानने के लिए वीडियो टिल द एंड देखते रहिए। मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ wordpress.com का वेबसाइट पे। नीचे मैंने लिंक देके रखा हुआ है, उस लिंक पे जाके ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जाके हमें एक अकाउंट बनाना है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है या तो कोई भी एक ईमेल आईडी आपको चाहिए उससे अकाउंट बन जाएगा। उससे पहले फ्रेंड्स आपको पता है तो वर्डप्रेस है कि वर्डप्रेस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, जहाँ बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा अच्छा वेबसाइट हम बना, ज्यादा कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज ना होते हुए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्री प्लान है, पर्सनल, प्रीमियम, बिजनेस, उनका प्राइस भी दिख रहा है। अभी हम ये प्राइस पे नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट ये स्टार्ट और फ्री करते करके स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना, आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दो। अभी यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेंगे, wordpress.com में आपको अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म आ गया है, ये हमें फिल करना पड़ेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू नेम ऑफ योर साइट, आप वेबसाइट का नेम क्या रखना चाहते हो वो नेम यहाँ पे दे दीजिए। जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ मानी एंड नॉलेज। अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, आप जो भी नेम पसंद करो और अवेलेबल है तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। व्हाट विल योर साइट बी अबाउट, आपका साइट किस बारे में है तो आपको लिखना पड़ेगा, फैशन, ट्रैवल, डिजाइन। तो फ्रेंड्स, मेरा जो साइट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए, लेट्स गिव योर साइट एंड एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस आपको चूज करना पड़ेगा जो कि URL होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मनी एंड नॉलेज, और मैं सर्च कर लेता हूँ। देखिए मनी एंड नॉलेज .com भी अवेलेबल है, बट इसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। मैं परचेस नहीं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक फ्री वाला आया हुआ है, मनी एंड नॉलेज 97 number.wordpress.com, ये फ्री है। तो फिर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फ्री में मुझे एक डोमेन मिल रहा है, लेकिन इसके लास्ट में आपको wordpress.com दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हम फ्री में कर रहे हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो डोमेन बाय करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी बाय पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फ्री में करता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट हो गया। आप मुझे प्लान चूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने जैसे आपको बोला था मैं फ्री प्लान में जाऊंगा, स्टार्ट विथ फ्री। तो यहाँ पे मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा एक ईमेल आईडी, जो कि ईमेल आईडी मैंने दे दिया, तो देख लेते हैं अवेलेबल है कि नहीं, भी ईमेल आईडी अवेलेबल है। और यहाँ पे मेरा यूजर नेम, मैं सेम वेबसाइट का नेम रखता हूँ, और पासवर्ड मैं चूज कर लेता हूँ। तो पासवर्ड मैंने दे दिया और मैं कंटिन्यू करूँ। तो यहाँ पे देखिए, यू हैव सेंट ए मैसेज टू insamesmedia@gmail.com, प्लीज यूज दिस टाइम टू कंफर्म। तो एक ईमेल आपको आ गया होगा आपके मेल आईडी पे, और यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे मेल आ चुका है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। क्लिक हियर टू कंफर्म नाउ, मैंने कंफर्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कंफर्म किया, मेल आईडी मुझे डैशबोर्ड पे लेके आ गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, और ये जो wordpress.com के फ्रंट पेज है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना आइकॉन अपलोड कर देना है। ड्यूइट मैं अभी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैंने पहले से ही साइट का आइकॉन बना के रखा हुआ था, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ इसको। अब हमें क्या करना है, साइट का टाइटल हमें यहाँ पे दे देना है, मनी एंड नॉलेज। यहाँ पे टैगलाइन भी हम लिख सकते हैं, लैंग्वेज हम, अभी हमें क्या साइट का एड्रेस जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारा वेबसाइट का URL है। तो
लैंग्वेज हम इंग्लिश छोड़ देते हैं, साइट टाइम छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अब इसको आप हिडन भी कर सकते हो, प्राइवेट पब्लिक भी कर सकते हो, क्योंकि हमें साइट पब्लिक रखना है तो हम पब्लिक पे ही रहने देते हैं। फुटर क्रेडिट जो है, यू कैन कस्टमाइज द फुटर क्रेडिट, तो इसको हम चेंज कर, सेव चेंजेस कर लेते हैं एक बार। सेटिंग सेव हो चुका है, इसको भी सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फुटर को अगर चेंज करना है तो फुटर को हम चेंज कर सकते हैं। फुटर कॉपीराइट होता है तो हम चेंज कर लेते हैं इसको, चेंज फुटर क्रेडिट। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। हम हाइड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि इसलिए आपको प्लान लेने का जरूरत है, तो हम इसको क्या करते हैं, डिफॉल्ट छोड़ देते हैं विथ वर्डप्रेस लोगो। वर्डप्रेस लोगो को चेंज कर दिया और इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश्ड हो गया तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमारा असली काम स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, एक बार साइट को व्यू साइट कर लेते हैं। इसको मैं दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूं और आपको दिख रहा है यह मेरा URL है और ये है मेरा साइट का लुक एंड फील। तो मुझे ये लुक एंड फील कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। तो लुक एंड फील चेंज करने के लिए फ्रेंड्स ये ध्यान से देखिए, दो चार ही पॉइंट्स हैं, अगर आप ध्यान से देख लोगे तो आप इजीली 20 मिनट्स के अंदर साइट बना सकते हो। मैं थीम्स पे क्लिक किया, यहाँ से मैं थीम्स चूज करूँगा। आप देखिए अभी ऑल फ्री प्रीमियम, अब मैं नीचे नहीं चाहूँगा, देखिए इस थीम का प्राइस है 2520 रुपये, तो हमें फ्री में लेना है तो मैं फ्री पे क्लिक कर देता हूँ और एक थीम चूज कर लेता हूँ। अब नीचे नहीं चाहते रहेंगे तो आपको फ्री थीम्स दिखता जाएगा, आपको जो भी थीम्स पसंद है आप ऐड कर सकते हो। तो मैं फ्रेंड्स ये रोलिंग जो थीम है ये अभी मेरे साइट पे एक्टिवेट है। तो मैं ऐसे कोई भी थीम लेकर काम कर सकता हूँ, आपके पसंद से आप थीम लीजिए और स्टार्ट करिए। मैं चेंज, अगर आपको चेंज करना है तो जस्ट इस पर क्लिक करके आप एक्टिव कर देंगे तो एक्टिव हो जाएगा। अब मैं साइट का कुछ पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पेजेस क्रिएट होके रहता है बट मैं कुछ पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं ऐड कर लेता हूँ साइट पेजेस, जैसे कि यहाँ पे लिखना है अबाउट अस, अबाउट अस, और यहाँ पे आप कुछ कंटेंट डाल देता हूँ। मैं ये कंटेंट मैंने डाल दिया और यहाँ पे आप चाहो तो आप इमेज भी डाल सकते हो। इमेज कैसे डालोगे आप दिखा देता हूँ आपको। ऐड कंटेंट, देखिए मीडिया पे जाना है आपको और यहाँ पे आपको कोई भी इमेजेस चूज कर लेंगे और ये आपके इसमें बीच में आ जाता है। तो मैं इमेजेस, ये इमेजेस डाल दिया मानी एंड नॉलेज का। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, यस पब्लिशिंग, एक पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपको अबाउट अस का पेज दिख गया। अगर इस पेज में आपको कमेंट्स किसी का अलाउ करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, कमेंट आता रहेगा। अगर कोई कमेंट आपको देना चाहता है तो, अगर इसको डिसलेक्ट रखता है तो कोई कमेंट नहीं आएगा। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, अभी हम आ जाते हैं कस्टमाइज पे। कस्टमाइजर क्या होता है, हम पूरा साइट का डिजाइनिंग इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें क्रिएट करना है मेनू, मेनू यहाँ पे जो मेनू होगा वो हम क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू मेनू, टॉप हेडर के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो टॉप हेडर मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। अब मेनू में क्या करना होता है, हमें कुछ पेजेस ऐड करना होता है। ऐड आइटम्स में कर लेता हूँ। ऐड आइटम्स में क्या रहेगा, होम रहेगा, अबाउट अस रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा और ब्लॉग रहेगा। ओके, अब देखिए मैं कॉन्टैक्ट को नीचे लेकर आता हूँ, ब्लॉग को पहले होम, अबाउट अस, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। अब इसको मैं करता हूँ पब्लिश। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे टॉप हेडर, बॉटम हेडर
और सोशल मेनू, और हम टॉप हेडर पे डाला तो यहाँ पे आ गया। सोशल मेनू में हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा डाल सकते हैं शेयरिंग के लिए। अब बॉटम हेडर जो है वो यहाँ पे आएगा, देखिए बॉटम हेडर क्लिक करते ही सेम चीज़ बॉटम हेडर में भी आ जाएगा। यहाँ पे बॉटम हेडर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मुझे चार पेज मैंने बनाया तो यहाँ पे आ गया। तो इसको मैं कर लेता हूँ पब्लिश। एक और मेनू में क्रिएट कर लेता हूँ सोशल, और इसको हम दे देते हैं सोशल मेनू। नेक्स्ट करती ऐड आइटम्स हमें करना होगा, हमें सोशल मेनू में क्या क्या रखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू मेनू टॉप लेवल पेजेस ऑफ दिस मेनू आइटम। अगर हम कोई भी पेजेस क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो सकता है, बट यह हमें जरूरत नहीं है। हमें ओनली ये इस वाले मेनू पे ये ओनली एनेबल कर सकते हैं आप, ताकि कोई भी पेजेस की ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। तो इसमें ऐड आइटम्स मैं कर लेता हूँ। मैंने फेसबुक क्रिएट किया, यहाँ पे एक लिंक का ऑप्शन आ गया। इस लिंक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फेसबुक आईडी जो भी हम देंगे इस लिंक पे चला जाएगा। हमने बना लिया, लिंक हमने क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पे आप अपना लोगो भी डाल सकते हो और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा स्पेस देता हूँ। हम यहाँ पे चाहे तो अपना लोगो भी डाल सकते हैं, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अगर मैं एक लोगो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ डिफॉल्ट लोगो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। आप फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आसानी से लोगो बना सकते हैं। ये पब्लिश हो चुका है। अगर हम साइट को रिफ्रेश करेंगे, साइट का एक न्यू लुक हमें अभी दिखने को मिल जाएगा। देखिए साइट का एक न्यू लुक हमें मिल गया। अब होम जो है बाय डिफॉल्ट होम आपको आता रहेगा। इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंटेंट हमें डाल देना है। आप अपने मर्जी से कंटेंट डाल सकते हैं। सेम आपको साइट पेजेस पे जाना है, और देखिए यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट, अबाउट अस, होम, सारे पेजेस जो है हमारा आ गया। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब मैं फिर कॉन्टैक्ट पेज जो है इसको मैं थोड़ा एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप कोई सबमिट करें तो आपके पास एक मेल आ जाएगा, आपके जो भी मेल आईडी से ये रजिस्टर्ड है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म में एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। और इस इमेज को भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फीचर्ड इमेज ऑप्शन जो है इसको रिमूव करके आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। मैं गूगल से एक इमेज ले लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी इमेज डाल सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करिए कॉपीराइट कंटेंट ना हो तो ही अच्छा आपके साइट के लिए। फिलहाल मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इसको हम रिमूव करके सेट फीचर्ड इमेज करते हैं और ऐड न्यू कर लेते हैं। ये इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। चेंज हो गया। अब अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब कुछ रख सकते हैं।
कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, चेंज हुआ है या नहीं देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ और लॉगिन करके रखा है तो ऑटोमेटिकली मेरा साइट का नेम और मेरा ईमेल आईडी आ रहा है। लेकिन दूसरा कोई ओपन करेगा तो साइट उनको ये नहीं दिखेगा। ब्लॉग से मैंने कंटेंट डाल दिया हुआ है, ये देखिए अबाउट अस में कंटेंट आपको दिख रहा है। अब आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, आप कोई भी न्यू पोस्ट जो करना, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लॉग बना हुआ है बाई डिफॉल्ट, इसको हम चेंज करके हम अपने हिसाब से ब्लॉग डाल सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड आपको जाना पड़ेगा ब्लॉग पोस्ट ऑप्शन पे और यहाँ से हम अनलिमिटेड ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। हम पहले एक ब्लॉग क्रिएट कर लेते हैं राइट ऑप्शन में जाके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक। तो मैं यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल का लिंक भी छोड़ सकता हूँ। इसको मैं जैसे ही पब्लिश करता हूँ तो फ्रेंड ये पब्लिश हो चुका है और यहाँ पर आपको दिख गया है ऑलरेडी हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अब मैं ब्लॉग पे क्रिएट करूँगा तो सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी ये क्रिएट किया था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कोई फीचर्ड इमेज मैंने नहीं डाला तो इसको मैं दोबारा एडिट पे जाकर फीचर्ड इमेज एक डाल देता हूँ। तो मेक मनी ऑनलाइन का मैं एक इमेज ले लेता हूँ गूगल से और इसको मैं इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर और इसको एज ए ब्लॉग पोस्ट मैं इसको पब्लिश करूँगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको दीजिएगा फीचर्ड इमेज ऑप्शन। फीचर्ड इमेज में सेट एज फीचर्ड इमेज करता हूँ और ऐड न्यू करके इस पिक्चर को मैं अपलोड कर लेता हूँ और इसको ऐसे फीचर्ड इमेज सेट कर दिया मैंने और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। तो यहाँ पे हम कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अनकैटेगराइज्ड है तो इसको हम न्यू कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में ये आ गया मेक मनी ऑनलाइन कैटेगरी में, अभी ये आ गया। और हर बार कोई भी आप चेंज कर रहे हो उसके बाद अपडेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखिए अभी जो मैंने पोस्ट डाला था वो यहाँ पे आ गया। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ब्लॉग पूरा पूरे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हो गया ब्लॉग, हो गया कॉन्टैक्ट, हो गया अबाउट अस हो गया और होम पेज में आप अपने मर्जी से कंटेंट कुछ भी डाल सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं। अब रहेगा ये साइड बार, इसको हम बोलते हैं विडजेस्ट। अब विडजेस्ट को कैसे चेंज करें मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर चले जाना है कस्टमाइजर पे, इसको क्लिक करते ही काफी सारा ऑप्शन आ गया, इसमें से ये ऑप्शन आ गया विडजेस्ट। विडजेस्ट हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये साइड बार का ऑप्शन आ गया, इसको हम क्लिक करते हैं तो ओनली सर्च मेनू है, यहाँ पे हम अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हैं। आप कुछ एड्स लगाना चाहते हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी लगाना चाहते हो, कैलेंडर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने कैलेंडर लगा दिया, यहाँ पे कैलेंडर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड कैलेंडर दिखना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं अमेजोन का ऐड यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं एक बैनर ले लेता हूँ। जस्ट आपको जाना है बैनर ऑप्शन पे। अगर आपके पास नहीं है, मेरा दूसरे वीडियो है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग करके भी अच्छा पैसे कमा सकते हो। तो एक बैनर मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके विडजेस्ट में ऐड विडजेस्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टम एचटीएमएल में क्लिक करके आपका जो भी आपने कॉपी किया था यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है और उसके बाद आपको कर देना है डन। ये हम कर रहे तो हम स्क्रिप्ट नहीं लगा सकते,
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज डाल के हम इसको लिंकअप कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें जाना है ऐड विजेट में, और उसके बाद क्लिक करना है हमें इमेजेस पे। कोई भी अमेजन का ऑफर आ रहा है आप यहाँ पे लगा सकते हो। इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव इमेजेस कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका अमेजन एफिलिएट का जो लिंक है, आप देखिए आपको यहाँ पे एफिलिएट लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी पेज को अगर आपको ट्रैफिक भेजना है किसी और जगह से अमेजन पे, तो इस तरीके से हम अमेजन पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं और ट्रैफिक भेज सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें लिंक मिल चुका है। हमें लिंक जो है वो ये है, हमें यहाँ से ये कॉपी कर लेना है लिंक। और इसके बाद क्या करना है हमें, अगर हम कंप्यूटर का सेल करना चाहते हैं कंप्यूटर का लिंक देना, अगर हम कंप्यूटर का कोई भी चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का लिंक हम प्रमोट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक पिक्चर ले लिया हुआ है तो उसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। और इसका URL पे यहाँ पे लिंक मैंने डाल दिया और इसको ऐड एडजस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ऐड एडजस्ट कर दिया तो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और कोई भी इस लिंक पे क्लिक करे तो आपका जो एफिलिएट लिंक है वहां पर पहुंच जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ डन, और इसको मैं कर देता हूँ सबसे ऊपर। अब जस्ट माउस से ड्रैग एंड ड्रैग कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा। अभी हम कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, इसको आया है या नहीं देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको दिख रहा है ये आ चुका है। हम ब्लॉग पे भी एक बार क्लिक करके देख लेते हैं ब्लॉग पेज में भी आ चुका है या नहीं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्लॉग पेजेस में भी आ चुका है। आप एक बार इस लिंक को हम क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये लिंक डायरेक्ट ओपन हो गया, और ये जो है ये मेरा एफिलिएट्स लिंक है। यहाँ से कोई भी अगर कोई भी लैपटॉप कंप्यूटर को भी परचेस करे तो इसका कमीशन मुझे आ जाएगा। तो आप ऐसे अपना एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो। तो एफिलिएट लिंक कैसे क्रिएट करना है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है अमेज़न का, उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बना के रखा हुआ है। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ऐसे ही फ्रेंड हम इन नंबर ऑफ ऑफर्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं साइड बार्स में। आप अपने मर्जी के हिसाब से आप साइड बार क्रिएट कर लो। और अगर आप किसी को डिलीट करना है, सोचिए इसको मैंने रिमूव करना है तो मैं सर्च ऑप्शन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हर बार पब्लिश करना जरूरी है, पब्लिश करने के बाद ये सेव होता है, अदरवाइज ये सेव नहीं होता। नेक्स्ट हमें ये करना है, ये होम पेज है, होम पेज को हमें सेट करना है अच्छी तरीके से ताकि आपके साइट में जो भी बंदा आए वो दूसरे पेज पे भी जाए। अगर आपका होम पेज ही खराब होगा तो आपके साइट दूसरे पेज में कोई जाएगा ही नहीं। तो होम पेज में हम क्या करेंगे, होम पेज मैंने जैसे आपको बोला आप इसको अच्छे से डिजाइन कर लो। आप यहाँ पे अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हो, बट ज़्यादा मत लिखिए, लोग पढ़ने के लिए राजी नहीं होता आपके बारे में ज़्यादा। आप अबाउट अस में बहुत कुछ लिख दीजिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अमेज़न का एफिलिएट प्रोडक्ट्स का लिंक। आपको ये सिलेक्ट करना है कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा सर्च होता है, कौन सा प्रोडक्ट लोग जल्दी खरीद लेते हैं, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है। मोबाइल फोन्स के ऊपर हम ट्रैफिक ला सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा नहीं आपको भी मोबाइल फोन से डालना है, आप देखिए जिसमें कमीशन ज़्यादा हो, आपको लगता है ये मार्केट में अच्छा सेल हो सकता है, आप उसका एफिलिएट लिंक क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आईफोन सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका मैं एफिलिएट लिंक क्रिएट करके मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा। तो ये प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एक लिंक क्रिएट कर लेना है।
सेव इमेजेस डेस्कटॉप और इसको हम कॉपी करके हम अपना एफिलिएट लिंक बना लेते हैं गो अब हमें चले जाना है होम पेज पे सेम ऐसे ही साइड पेजेस पे हम क्लिक कर देंगे उसको एडिट करने के लिए होम को हमें एडिट करना है होम पे क्लिक कर दिया हमने तो होम पेज में हम फीचर्ड इमेज नहीं लगाएंगे अब इसको हम एज ए लिंक क्रिएट कर देंगे लिंक वही लेना है जो हमने यहाँ से कॉपी किया था मैं एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ लिंक को ओपन विथ ए न्यू टैब क्योंकि हमें सेम वेबसाइट में ओपन नहीं करना क्योंकि अमेजोन का प्रोडक्ट है तो ये हो गया ऐसे हम एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बट ये ई कॉमर्स नहीं है इसलिए हमें ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बताऊंगा कैसे बनाते हैं वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं अब हमें कर देना है अपडेट अपडेट हो चुका है अब हम चलते हैं होम पेज में और इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड रिफ्रेश करते यहाँ पे आ गया अगर मैं ये बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ अभी तो ये डायरेक्ट मेरे एफिलिएट लिंक के साथ ओपन हो रहा है अमेजन के वेबसाइट पे तो फ्रेंड्स ऐसे आप मर्जी के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट चूज करके फ्री वेबसाइट बना के आप इसको प्रमोट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में अपने रिलेटिव्स में फेसबुक पे ट्विटर पे कहीं भी आप प्रमोट कर सकते हो अगर यहाँ से कोई भी परचेस करता है आपके लिंक के थ्रू तो आपको एक कमीशन अच्छा खासा मिल जाता है और अपना वेबसाइट बना सकते हो हर एक चीज़ को लेके एक एक चीज़ को लेके एक वेबसाइट बना सकते हो अगर आप मोबाइल फ़ोन्स का वेबसाइट बनाना चाहते हो तो खाली यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का एक लोगो बना दीजिए और ओनली मोबाइल फ़ोन डाल दीजिए और उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए मुझे लगता है ये करने से आपको एक अच्छा कमीशन मिल सकता है बट इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना हो तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था तो वेबसाइट बनाने के लिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए अगर ये वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा और वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रोग्रामिंग के लिए आपका और भी कुछ सवाल हो तो भी मुझे कमेंट्स में लिखिए उसका भी मैं आंसर ज़रूर दूंगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन लर्न अर्न एंड एन्जॉय